हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेंसिटी निकालने की जो अगला मेथड है वो पढ़ेंगे और उसका नाम है सबमर्ज डेंसिटी मेथड। तो ये क्या है, आइए चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। तो देखिए, हमें डेंसिटी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सॉइल सैंपल चाहिए, ठीक है। तो देखो, मेरे पास एक क्या है, ये सॉइल सैंपल है, ठीक है। इस सॉइल सैंपल का वेट जो है डब्ल्यू वन है, और ये जो सॉइल सैंपल है इसमें क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब ये सॉइल सैंपल है, जब हम इसे वाटर में डुबोएंगे, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है सबमर्ज, ठीक है ना। तो सबमर्ज का मतलब होता है कि किसी चीज को डुबोना, या सबमर्ज मतलब होता है कि कोई चीज जो है डूबी हुई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सबमर्ज। तो ये सैंपल क्या होगा, डूबा हुआ रहेगा। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो आप जान रहे हो कि इसके सारे पार्टिकल अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो है एक पैराफिन वैक्स का, वैक्स मतलब मोम होता है, आपने जान ही लिया है, तो उसका जो है कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। और फिर से जो है इसका वेट डब्ल्यू टू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सॉइल सैंपल का वेट हो गया डब्ल्यू वन, और पैराफिन वैक्स सहित, ये क्या है, पैराफिन वैक्स है, PARAFIN पैराफिन वैक्स है। और इसका जो वॉल्यूम है, इस सैंपल का जो वॉल्यूम है वो है क्या है, V1 है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है। और ये जो पैराफिन वैक्स है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, GP, ये हमें पता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक चीज मैंने आपको शुरू में बताया होगा या अभी बता देते हैं फिर से उसको। जैसे मान लो कि क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक है ना, ये क्या है, कंटेनर है, और इसमें जो है पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है। तो अब देखो, एक ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बस आपको समझने के लिए बता देते हैं कि ये मेथड जो है कैसे कार्य करता है, ठीक है। कई बार मैंने बताया है लेकिन फिर से बता देते हैं। देखो, ये जैसे मार्कर है, तो इस मार्कर का वॉल्यूम है कुछ, ठीक है ना। ये जितना, जैसे ये हवा में लटका हुआ है, तो स्पेस में जितना ये स्थान घेर रहा है अपना, वही इसका आयतन है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखो इसको, इस मार्कर को जब इस वाटर में डुबोएंगे, तो जितना इसका आयतन है उतना वाटर हटेगा कि नहीं हटेगा। जैसे हमने इसको डुबोया तो इतना तो ये अपना जगह घेर लिया, लेकिन इस मार्कर के बराबर जो वाटर होगा वो कहीं ना कहीं ऊपर, वाटर का लेवल थोड़ा सा और क्या होगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। अगर ये पूरा लबालब भरा होता तो इसके वॉल्यूम के बराबर वाटर क्या होता कि बाहर गिर जाता, ठीक है। तो देखो, इसके आयतन के बराबर ही क्या हुआ, वाटर हटा, है ना। तो मान लो कि ये इसके आयतन के बराबर ही क्या हुआ, वाटर हटा, और वो इतना था जब मैंने इसे डुबोया, तो जो वाटर बाहर निकला, आवाज गूंज रही है, तो उसका जो आयतन है वो कितना था, इतना था, ठीक है। तो जो ये वाटर बाहर निकला है, इसका जो है आप जब वेट करोगे तो इसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा ना, तो इसका वेट मान लो W है, ठीक है। अब ये वाटर है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। अब देखो, ये जो मार्कर है हवा में, जब हवा में लटका हुआ है या जब हम ऐसे हाथ पे लिए हुए हैं, तो ये हमें भारी दिख रहा है, कुछ क्या दिख रहा है, भारी दिख रहा है ना, कुछ ना कुछ इसका वेट है। तो ये मार्कर मान लो हमने लिया है, तो इसे हम बोल देते हैं WM, ठीक है। मार्कर का वेट क्या है, WM है हवा में, ठीक है, हवा में जो है मार्कर का वेट WM है, ठीक है। अब देखो, मैंने मार्कर को इस वाटर में डुबोया और मार्कर ने अपने आयतन के बराबर इतना वाटर क्या किया कि रिप्लेस किया, और ये जो इस आयतन के, मार्कर के आयतन के बराबर जो वाटर बाहर निकला हुआ है, ठीक है, निकला हुआ है या उसी में है, तो भी इसने वाटर तो रिप्लेस किया है ना, तो इसके आयतन के बराबर जो वाटर है उसका वेट जो है W1, W है, ठीक है।
तो अब बताओ कि ये हवा में हमें डब्ल्यू एम जो है भारी लग रही है, अब मैं इसे वाटर में डुबो दूं और इसे जो है महसूस करूं हाथ पे रख के कि ये कितना भारी है। वाटर में मैंने इसे डुबो दिया, अब मैं महसूस कर रहा हूं कि ये कितना भारी है। तो आपने महसूस किया होगा कि कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु जब आप उसे वाटर में उठाते हो तो देखते हो कि आपको वो हल्की लगने लगती है ना, हल्की लगती है। तो वो कितनी हल्की हो गई है, उसके भार में कितना कमी हो गया है। तो इस मार्कर के वेट में जो है डब्ल्यू एम माइनस डब्ल्यू जो है कमी, मतलब इतना जो है इसका भार जो है वाटर में हमें दिखेगा, समझ रहे हो। वाटर में इसका भार कितना होगा, हवा में भार इनटू इस मार्कर के आयतन के द्वारा हटाया गया वाटर का जो भार होगा उतना इसमें कमी कर देंगे। तो यही जो है इसे पानी में जब डुबाएंगे तो डब्ल्यू एम माइनस डब्ल्यू कर देंगे तो ये जो वेट आएगा उतना ही भार हमें महसूस होगा वाटर के, वाटर में, ठीक है। तो किसी भी बॉडी को ले लो आप, तो वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। यहां तक कि जो शिप होती है, हमारी नाव होती है, वो इसी पे जो है कार्य करती है, ठीक है ना। अब देखो जहाजों में क्या होता है या नावों में क्या होता है कि उनका आयतन देखते हो इतना बढ़ा दिया जाता है, इतना आयतन ज्यादा होता है कि वो जब वाटर में जाती है तो उसका जो वेट होता है, जैसे कि इसका वेट क्या है, इसका वेट है मान लो डब्ल्यू एम था, ठीक है ना। तो वो जो जो जहाजे होती है बड़ी बड़ी, तो वो जो वाटर रिप्लेस करती है तो वो इतना ज्यादा वाटर रिप्लेस कर देती है कि इस जो जहाज का भार होता है उससे कई गुना ज्यादा जो है वाटर जो रिप्लेस करती है उसका भार हो जाता है, ठीक है ना। तो जब जो रिप्लेस किया गया वाटर होता है उसका जब भार बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो जहाज है वो क्या होती है कि सरफेस पे आके तैरने लगती है, ठीक है। अगर ये जो है वाटर को रिप्लेस किया है ना तो ये डूबा रहेगा, अगर इसके भार में इसके वेट के बराबर कमी नहीं होगी तो ये डूबा रहेगा, लेकिन ये हमें हल्का लगेगा। तो कितना हल्का लगेगा, तो इतना हल्का लगेगा। तो मुझे लगता है कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जो समझाना था मैंने आपको बता दिया, अब देखो क्या करना है इसमें। तो ये पैराफिन वैक्स है, ये ट्वाइल सैंपल है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, इसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, ठीक है ना। अब देखो इसे हम क्या करते हैं कि ये एक नापने वाला होता है, आपने देखा होगा गांव में या कहीं पे आपने देखा होगा ऐसा रहता है। जैसे गांव में क्या होता है ना, वेट नापने के लिए ऐसे छोटा सा रहता है स्प्रिंग जैसे, उसे एक डंडे में फंसाते हैं और नीचे बोरा होता है जो कट्टा होता है चावल या गेहूं से भरी हुई, उसे हम ऐसे कंधे पे टांग के उठा लेते हैं तो स्प्रिंग पे रीडिंग आती है, तो उससे पता चल जाता है कि ये कितना जो है इसका भार है, ये कितना किलो है, ठीक है ना। तो वो हमें बताता है, तो ऐसा ही कुछ ये अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ऐसे लगा हुआ है और ये पैराफिन वैक्स सहित क्या है, ये स्पाइस सैंपल है, और ये बाहर वाला क्या है, पैराफिन है, ठीक है ना, पैराफिन वैक्स है, और इसका आयतन क्या है, V1 है। यही वाला सैंपल को हमने इसमें डुबो दिया है, समझ रहे हो। और ये स्प्रिंग वाला वेट मेजर करने वाला है, तो इस पे जो है हमें रीडिंग बताएगी कि वाटर में जब हमने डुबो दिया है तो इसका वेट कितना है। तो ये जो रीडिंग दिखाएगी वो W3 दिखाएगी, वाटर में जब ये डूबी हुई है तो उस समय इसका वेट कितना है, तो W3 है, ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया। अब देखो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे मतलब ये छूट गया था कि W2 माइनस W1 करेंगे। देखो W1 क्या है, सॉइल सैंपल का वेट है, और W2 क्या है, पैराफिन वैक्स प्लस सॉइल सैंपल का वेट है। तो W2 माइनस W1 करेंगे तो हमें पैराफिन का जो है वेट मिल जाएगा, है ना। तो पिछले वीडियो में ये मैंने आपको बताना भूल गया था। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, गामा पी अपान गामा डब्ल्यू, ठीक है। ये यूनिट वेट ऑफ पैराफिन है और ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, WP वेट ऑफ पैराफिन अपान वॉल्यूम ऑफ पैराफिन इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू जी इंटू पी, ठीक है। अब देखो हमें पैराफिन का जो है वॉल्यूम निकालना है ना, तो वी पी
पैराफिन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पैराफिन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखो डब्ल्यू पी अपान जी पी इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये हमें पैराफिन का वॉल्यूम मिल गया है और यहां से हमने पैराफिन का वेट ज्ञात कर लिया है। जीपी हमें पता ही था, यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको सबको पता ही होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो है इसके भार में कितनी कमी हो रही है, तो ये जो हवा में जब है ये पैराफिन बैच सहित सॉइल सैंपल जो हवा में है उसका भार डब्ल्यू टू है, और जब ये पानी में डूबा हुआ है तो इसका भार डब्ल्यू थ्री है। तो वेट में कमी कितनी है, यहां पे लिखेंगे वेट में कमी, वेट में कमी, ठीक है। तो वेट में कमी कितनी हो रही है, W2 माइनस W1, तो W2 में से W1 घटा देंगे तो क्या हो रही है, वेट में कमी हो रही है, समझ रहे हो। अच्छा तो देखो वेट में कितनी कमी होगी, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो सॉइल सैंपल है इसको जब आप डुबोगे तो इसका जो आयतन है वी वन इसी के बराबर वो क्या करेगा, वाटर रिप्लेस करेगा, है ना। तो वाटर उसने रिप्लेस कर दिया। अब देखो हमने पढ़ा है कि गाम यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर, समझ रहे हो। तो यहां से आप करोगे, यहां से अगर आप वेट ऑफ वाटर निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेट, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, समझ रहे हो, ठीक है। तो जो आयतन V1 है सॉइल सैंपल का, जब हमने इसे वाटर में डुबोया है तो इसने जो है कितना वाटर रिप्लेस किया है, तो V1 के जो है बराबर जो है वाटर इसने क्या किया है कि रिप्लेस किया है। तो ये क्या हो गया, V1 क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और यही V1 में गामा W से जब गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू कर रहे हैं तो ये वेट ऑफ वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो इसने कितना वाटर रिप्लेस किया है, वी वन के बराबर, ठीक है। तो इसके वेट में कमी कितनी हो गई, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, यानी कि जो इसने वाटर को हटाया है उतना ही तो कमी हो गई। तो वाटर कितना हटाया तो हमें तो कुछ पता नहीं है, हमें बस ये मालूम है कि वी वन के बराबर इसने वाटर हटाया और इसमें वाटर की यूनिट वेट से गुणा कर देंगे तो इतना वाटर इसने हटाया, तो हमें जो है ये चीज मिल गई, ठीक है। तो अब देखो हमें चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए, है ना, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, हमें वॉल्यूम पता नहीं है। तो यहां से जो है हम यहां से क्या कर लेंगे, वी वन बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपान में गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो हमें डेंसिटी निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले हमने सॉइल सैंपल लिया, इसका वेट जो है W1 पता चल गया, ठीक है, W1 हमें पता चल गया। अब डेंसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए वेट और चाहिए वॉल्यूम, तो हमें वेट तो पता चल गया, अब चाहिए था हमें क्या चाहिए था, उसका वॉल्यूम हमें किसी तरह से पता चल जाए। तो इस ये जो इतना प्रोसेस सारा कुछ ये किया गया है, ये केवल और केवल इस सॉइल सैंपल के वॉल्यूम को पता करने के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कितना हो जाएगा, वी वन, वी वन माइनस वी पी, ठीक है। ये V1 जो निकला है तो ये पैराफिन वैक्स प्लस सॉइल सैंपल सहित वॉल्यूम है, और हमें जो है पैराफिन का जो है वॉल्यूम पता है, तो अब पैराफिन का आयतन घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, केवल सॉइल सैंपल का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डेंसिटी कितना हो जाएगी, यूनिट वेट कहो या वेट डेंसिटी कहो, तो कितना हो जाएगी, गामा बराबर डब्ल्यू वन अपॉन वी वन माइनस वी टू, ठीक है ना। तो ये जो है हमें यूनिट वेट मिल जाएगा, ठीक है, या डेंसिटी अगर आप इसी को कहो कि मतलब डेंसिटी कितना होगी, तो W1, W मतलब जानते हो कि भार होता है, m इंटू जी होता है, तो यहाँ पे से g हटा देना तो आपको मिल जाएगा डेंसिटी मिल जाएगा,
और ऐसे है तो आपको वही यूनिट वेट है या इसी को हम कहेंगे कि वेट डेंसिटी है। ठीक है, तो समवार की यूनिट वेट की सहायता से हमने क्या किया कि वेट डेंसिटी हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है ना, तो ये सारा जो प्रोसीजर किया गया था केवल इस आयतन को पता करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो अगला जो मेथड है वो हम पढ़ते हैं।